नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे निमिषा जी से, जो कि एक 25-year-old वर्सेटाइल वुमेन है। वर्सेटाइल वुमेन क्यों है ये हम जानेंगे खुद निमिषा जी से। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आंखों में देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. नमस्ते निमिषा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार अनंत, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। वैसे तो आप बहुत फेमस हो उदयपुर में, लेकिन हमारा जो शो है वो लोग ग्लोबली भी देखते हैं, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारी ऑडियंस आपको जान जाए। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे फेमस कहने के लिए, मतलब मैं अपने आप को मानती नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप हो वैसे। ठीक है, सो बेसिकली मैं 5-6 साल से इवेंट्स में हूँ और मैंने लास्ट ईयर अपनी कंपनी साइका लॉन्च की है। लॉन्च एज इन मैंने सबको बताया कि मेरी ऐसी कंपनी साइका करके। सो मैं इवेंट्स करती हूँ, मेजरली मेरा प्रोफेशन पूरा इवेंट्स में है, बट अगर पैशन की बात करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना बहुत पसंद है। मैं शायद 4 या 5 साल की थी तब से मैं डांस सीखती आ रही हूँ। वाओ। और मैंने 5-7 साल कथक में भी ट्रेनिंग लिया है। अच्छा। तो अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं और उसमें आपको थोड़ा ग्रेस या कुछ दिखता है तो वो सिर्फ कथक की वजह से। ओके। और क्वालिफिकेशन देखे तो मैं बीकॉम ड्रॉप आउट हूँ, बट मैंने अभी फिर से अपना बैचलर्स चालू किया है, तो अभी मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। ओके। और मैंने इवेंट मैनेजमेंट किया है मुंबई से। स्कूलिंग और सब कुछ मेरा उदयपुर से ही हुआ है, सो आप कह सकते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उदयपुर। सो बीइंग अ गर्ल और इस फील्ड में काम करने में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो जब आप प्लानिंग से एग्जीक्यूशन पूरा जो प्रोसेस करते हो तो उसमें कभी कुछ ऐसा चैलेंज आपने फेस किया? सी मैं एक्चुअली वो थोड़ा फेमिनिज्म वाली साइड में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि सब जिस भी फील्ड में, अगर आप इस फील्ड में तो आप अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं कहीं हूँ तो मैं अपना स्ट्रगल कर रही हूँ। और रही बात इवेंट्स की, तो आज के टाइम में इवेंट्स में काफ़ी सारी गर्ल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ या 2-4 और हैं, काफ़ी सारे हो, काफ़ी बड़े बड़े नाम भी हैं। तो स्ट्रगल देखा जाए लोगों के साथ में टीम अप करने में तो थोड़ा कम होता है, क्योंकि लड़कियों के लोग आराम से सुन भी लेते हैं। बट कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरी प्रोफेशनल्स के साथ में थोड़ी लड़ाई हो जाती है, मानो आप होटल्स हो गए कोई या कोई वेंडर हो गए या ऐसा, तो मुझे ऐसा मेजरली कुछ याद नहीं है कि मेरी ऐसी लड़ाई हुई। हाँ, टीम से छोटी मोटी चलती रहती है, वो थोड़ा थोड़ा चलती थोड़ा रहती है। बट अगर होटल्स की बात करें तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट याद है। मैं एक वेडिंग में थी और वहां सिर्फ इतनी सी बात से कि होटल वालों ने लगेज ले जाने में क्लाइंट की हेल्प नहीं करी, तो हमारी इतनी लड़ाई हो गई थी कि यार वो ठीक है, वो तो जेंट्स थे, बट ऐसा हो सकता था कि कहीं मेरा हाथ उठ जाता या कहीं मैं कुछ गलत बोल देती। सो जो आपकी इवेंट कंपनी है उसका नाम है साइका, व्हाट डज इट मींस? सो साइका काफी सिंपल सी चीज है, हम लोग का साई बाबा को लेके हम लोग बहुत उनकी तरफ अट्रैक्टेड है। सो मेरा शुरू से ऐसा था कि मैं कुछ भी काम करूंगी तो वो साई बाबा के नाम से रहेगा। सो इट इज साई साई बाबा का ऐसा। बट जब मैंने गूगल किया तो इसके कुछ अच्छे अच्छे मीनिंग्स भी थे, कुछ सीखे तो क्वीन वगैरह कुछ, मतलब काफी अच्छे मीनिंग्स थे, मुझे याद नहीं क्योंकि मेरे को सिर्फ साई बाबा वाला ही याद। उस टाइप से सो या साइका का मतलब है कि साई बाबा का ऐसा। सो अपार्ट फ्रॉम साइका व्हाट आर योर अदर पैशंस? सी माय बिगेस्ट, मतलब ऐसा शुरुआत से सबसे सबसे बड़ा पैशन मेरा डांस रहा है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, बट थ्रू डांस में कभी कभी एक्टिंग में घुसी हूँ। तो मैंने अभी, मतलब इतनी फेमस नहीं है वो मूवी, बट T2 अंबानी करके एक मूवी आई थी जिसमें तुषार पांडे, बहुत फेमस है वो। हाँ ठीक है, तो मैं उसमें थी, इवन मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि वो जाके थिएटर में देखूँ मैं अपनी मूवी, बट हाँ मैं उसमें, मैंने अभी भी रिसेंटली उसमें काम किया है। मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स की है, मेरी हॉटस्टार पे एक चिरैया करके शॉर्ट फिल्म भी अगर आप लोग देखे तो, मतलब वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और काफी सारे YouTube पे भी मैंने शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस वगैरह करी है। तो पैशन में जाए तो डांस, और अब मैं एक्टिंग भी अपना पैशन कंसीडर करती हूँ। ओके। सो हमने देखा है कि आपकी बहुत ह्यूज फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, सो हाउ यू मैनेज योर वर्क लाइफ? सो वर्क लाइफ बैलेंस अगर अपन करना चाहे ना, तो
मैं अभी मतलब साइका के पास मैं स्पेशल इतना इतना काम नहीं है कि मैं साइका साइका के नाम पे मैं दूसरे काम हाँ, दूसरे काम नहीं छोड़ा बट मैं दूसरे लोगों के साथ भी काम करती हूँ इवेंट्स में। सो क्या होता है ना कि अभी मेरा ज्यादा फोकस वेडिंग्स की तरफ रहता है, तो वेडिंग्स का कैसा है 6 महीने ऑन 6 महीने ऑफ, ऐसा सीजनल चलता है। तो उसमें एक पर्टिकुलर आप माना 10-15 दिन की फ्रेम ऐसी है कि मैं बिजी हूँ, बाकी मैं फ्री हूँ। और 10-15 दिन में भी 4-5 घंटे निकालना एक्चुअली मेरे लिए इजी इसलिए हो जाता है कि मेरे को वो वीडियोस बनाना पसंद है। आज मेरे को तैयार नई ज्वेलरी आई है, मेरे को ये पहननी है, आज नया मेकअप आया ये लगाना है, तो उससे थोड़ा क्या एक्साइटमेंट रहता है, तो इसलिए टाइम निकल जाता है अपने आप और रील्स बन जाती है। तो रील्स वीडियोस इंस्टाग्राम पे सोशली एक्टिव थोड़ा सा ऐसे रह जाते हैं अपन। सो हमने जो आपका कंटेंट देखा है वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अराउंड पूरा रिवॉल्व करता है, लेकिन जो आजकल के जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर को पूरा फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इस चीज को क्यों फॉलो करते हो और इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? सी ऐसा नहीं है कि मैं भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करती, मैं करती हूँ। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी अगर आप जाओगे तो मैंने सब तरह की रील्स डाल रखी है, सब तरह का, बट मैं अपने अपने कल्चर की तरफ ज्यादा इसलिए अट्रैक्टेड हूँ क्योंकि मैं अपनी रूट्स स्ट्रांग रखूंगी ना तो मैं कितना भी ऊपर उठ जाऊँ कहीं ना कहीं आके नीचे मैं अटक ही जाऊंगी। ठीक है, जैसे आज सुबह की बात बताऊं तो मैंने आपके अरब टॉक्स में आने के लिए मैंने सुबह से 4 कपड़े ट्राई किए, मैंने ऐसा क्रॉप टॉप टाइप कुछ ट्राई किया, मैंने ऐसा फॉर्मल शर्ट टाइप कुछ ट्राई किया, बट मैं लास्ट में आके कुर्ती पे टिकी एकदम जैसे टच। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में आके मैं कुछ पहनू ना पहनू कुर्ती मेरे पे अच्छी लगेगी। हाँ, है ना, तो अगर मैं कितने भी डांस फॉर्म्स कर लूँ कुछ भी कर लूँ मुझे पता है घूमर में अच्छा कर लूंगी। और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्योंकि मैं छोटी से बड़ी हम राजपूत है, छोटी से बड़ी मैंने वही सब देखा है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, प्लस हाँ थोड़े फॉलोवर्स भी आराम से मिल जाते हैं। इंडियन जो देखते हैं तो एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो यही है कि मैं खुद पर्सनली थोड़ा अट्रैक्टेड हूँ इस कल्चर इन कस्टम्स के लिए। ओके, इसलिए। सो हाउ डू यू कोलैबोरेट विद ब्रांड्स? जब मेरे पास वैसे 4-5 हज़ार फॉलोअर्स थे ना तो आई यूज टू डीएम ब्रांड्स, तब मैं क्या छोटे छोटे ब्रांड्स को अप्रोच करती हूँ, मैं आज भी करती हूँ बट आज मैं थोड़े ऐसे बड़े ब्रांड्स को अप्रोच करती हूँ डीएम करके, या उसमें से काफी सारे रिफ्यूजल्स भी होते हैं और काफी सारे ब्रांड्स अपने को वापस अप्रोच भी करते हैं। बट अभी क्या है ना कि शायद जिन ब्रांड्स को मैं उस टाइम पे मैं अप्रोच करती थी ना वो ब्रांड्स मुझे अप्रोच करते हैं। वाह, सक्सेस। हाँ, सक्सेस कह लो या फॉलोवर्स का खेल है देखो। प्लस क्या होता है ना, आप जब किसी भी फीमेल प्रोफाइल को जाके देखोगे ना तो आप उनकी इनसाइट्स खोलोगे तो कैसे 70% मेल्स होते हैं और अराउंड 29% आपके फीमेल्स होते हैं, बट मेरे केस में थोड़ा सा मतलब थोड़े से ऐसे ब्लेस्ड है अपन के अपने फीमेल फॉलोइंग ज्यादा है। तो जो भी मेकअप ब्रांड्स है या जो भी स्किन केयर ब्रांड्स है वो इनसाइट्स देख के वो फीमेल फॉलोइंग देख के मेरे को थोड़ा सा अप्रोच कर लेते हैं, या मैं उन्हें अप्रोच करती हूँ तो उन्हें ये चीज अच्छी लगती है और इसलिए वो उनका ब्रांड मुझे बेच देते हैं और अपन कोलैब कर लेते हैं। वाह, एज इजी। सो आपने अभी तक कौन कौन सी ब्रांड्स के साथ कोलैब किया हुआ है? तो मुझे ऐसे सारे ब्रांड्स तो याद नहीं है बट रिसेंटली मैंने अभी मेकअप में जाए तो कलर बार के साथ में किया था दिवाली के टाइम पे, बलोरा पेरिस के साथ में किया था मैंने। और स्किन केयर में जाए तो मेरा सबसे बड़ा अभी कोलैब में मानो तो डॉट एंड की स्किन केयर, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत प्यारा ब्रांड है, बहुत क्यूट उसकी पैकेजिंग है, अच्छा। तो इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है। सो डॉट एंड की स्किन केयर में। और क्लोदिंग की बात करूँ ना तो अपने यहीं से उठ रहा है वो ब्रांड धीरे धीरे और आई एम प्रीटी मच श्योर के बहुत लंबा खेलेगा। सो अपने यहाँ का ब्रांड है हाउस ऑफ सिकरवार, तो उन लोग का ऐसा है कि वो कस्टम ऐसे कस्टमाइज आपकी जो साइज है उसके हिसाब से स्टिच करवा के चीजें बनवाते हैं। तो इन लोग का एक प्रोसेस है कि आप फैब्रिक चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको शर्ट कुर्ता लॉन्ग कुर्तीज हो गई फीमेल के सेट्स हो गए कॉर्ड्स हो गए, तो आप जो भी जैसा भी चाहे ना तो मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है अभी और मेरे पास काफी सारे कपड़े है हाउस ऑफ सिकरवार के। सो या हाउस ऑफ सिकरवार भी मुझे मैंने मतलब रिसेंटली कोलैब किया और मुझे बहुत पसंद है। सो आपने पहले बताया था कि आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, तो बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन गर्ल तो आपका वर्क एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहता है? देखो मैं आपको सबसे पहले तो करेक्ट करना चाहूंगी, बहुत सारी में काम नहीं किया है। हाँ, मतलब हमारे तो बहुत सारी है। सो मूवी की बात करें तो देखो लोगों को ऐसे इंसिडेंट वगैरह जानने में इंटरेस्ट होता है बट मैं सही बताऊं हमेशा चीजें बुरी ही नहीं होती है। हाँ, मतलब तो मेरे साथ में इस सीन में बहुत अच्छा हुआ, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम लोग जैसलमेर गए थे।
जैसलमेर में वहाँ पे वैनिटी वैन वगैरह खड़ी हुई थी, अच्छा तो मैं वो वैनिटी वैन देख के बड़ी फैसिनेट हुई थी। बट हम लोग को देखने का मौका भी मिला, बट हम उसको किसी वजह से देख नहीं पाए। तो उस दिन मैंने ऐसा सोचा था कि यार ये तो चाहिए, एक बार तो चाहिए, एक्सपीरियंस करना है, देखना है क्या चीज है। और लकीली एक डेढ़ महीने में ही मुझे ना ये मूवी वाला ऑफर आ गया था। एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है और काफी अच्छे आर्टिस्ट है तरुण जोशी, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया था कि भाई ऐसी ऐसी मूवी आ रही है, तू काम करेगी क्या? तो मैंने अपना ऑडिशन क्लिप वगैरह सब कुछ सेंड किया और उन लोग को अच्छा लगा, उन लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट किया। फिर जब वो दिन आया कि हम लोग शूट कर रहे थे, तो उदयपुर में ही शूट था, तो मोस्टली तो कैसे रूम्स वगैरह में, वहाँ होटेल्स मतलब, में रूम्स है तो वहाँ शूट होते थे। बट एक दिन हमारा ऐसा आउटडोर शूट था और वहाँ मुझे अपनी पर्सनल वैनिटी वैन मिली थी। सो द डे द मोमेंट मैंने वो वैनिटी वैन देखी ना, उसके बाद नाम अपन अंदर गए, खुद का नाम जब होता, हाँ, और अपन अंदर गए तब रियलाइज हुआ कि यार अगर कुछ नहीं भी करे ना तो अपन ने ये तो अचीव किया है। वो बात है, तो बस वो मोमेंट। और बड़े स्टार्स नहीं हो, छोटे स्टार्स नहीं हो, बड़े डायरेक्टर्स नहीं हो, बट फिर भी वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो वाइब थी, वो जो सेट थे कि भाई कैसे क्या काम होता है, कैसे कौन सा कैमरा यूज होता है, कौन सा एंगल, आप नहीं मानोगे, लिटरली बताया एक शॉट ऐसा था कि हमारे ऊपर से ऐसे कैमरा आ रहा था। तो काफी फैसिनेटिंग था, काफी मजा आ रहा था। अब मतलब पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट थे वहाँ पे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स आपको कॉस्ट्यूम्स लाके दे रहे थे कि आपको ये पहनना है, एकदम सेलिब्रिटी वाली फील्स। बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा। हाँ, एक दूसरे के बाहर ऐसे भी गए थे कि लोग हमारे साथ फोटोज खिंचवा रहे थे, तो ठीक है। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। और वो मूवी कौन सी थी? वो मूवी का नाम था टीटू अंबानी। ओके, अगर आप लोगों ने छिछोरे देखी हो, छिछोरे में एक मम्मी करके कैरेक्टर है, वो तुषार पांडे है, तो तुषार पांडे उसमें लीड थे। प्लस डेली सोप में लिया और बाती हम एक सीरियल आता था पहले, उसमें जो संध्या जो थी वो उसमें लीड एक्ट्रेस है। अच्छा, ऐसा। तो जब आपकी फिल्म रिलीज हुई तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? यार फिल्म की अगर बात करें ना, तो मैंने भी अभी तक देखी नहीं है। अच्छा। ना मेरे पेरेंट्स को मैं दिखा पाई, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ऑक्यूपाइड थी। प्लस यार एक चीज ऐसी हो गई थी कि मुझे बहुत मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे थे मूवी के, मूवी अच्छी है, मूवी बुरी, नो डाउट मूवी काफी क्लीन है, कोई ऐसे शॉट्स नहीं है या कुछ ऐसा, बट मेरे को ऐसा डर था कि मैं लेके जाऊँ और अगर किसी ने मेरे को मुंह पे ही बोल दिया मूवी अच्छी नहीं है तो मैं मूवी देख नहीं पाई। बट काफी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे भी जब सॉन्ग्स वगैरह गए उनमें हम लोग है तो पता है कि चलो हम है, लेकिन फिर भी आज ऐसे लोग है ना जो मानते नहीं इस चीज को। अच्छा, पर ठीक है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो अपन ने जो किया है वो किया है। सो यार, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो YouTube पे जो वीडियोस है, या मैं वीडियो मूवी डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगी कि हाँ इस मूवी में मैं हूँ, मुझे लोगों को दिखाना है कि हाँ इस मूवी में हूँ, देखो। तो लोगों का रिएक्शन जो मेरे ऐसे बहुत अजीज है या बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगा था। किसको सी, आज अगर मेरे पेरेंट्स को मैं बताऊंगी कि मैं मूवी में काम करती हूँ, इस मूवी में मैं आ रही हूँ, तो कैसे अच्छा नहीं लग सकता। सही बात है ना, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को जाके बताऊंगी, हाँ ऐसे कुछ रिलेटिव्स है तो समझते क्या है, वाह ऐसे कोई भी ऐसे कर लेते। उनको ये बात समझानी है, ये चीजें कोई भी नहीं कर सकता है। जो कोई भी कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। क्या बिल्कुल, वो बात है। तो बस रिएक्शन अच्छे थे, जहां से जो मिला अच्छा मिला, ऐसा कुछ नेगेटिव जैसा नहीं रहा। नहीं, ऐसा कुछ नेगेटिव तो टच वुड अभी तक लाइफ में मतलब मुझे नेगेटिविटी कम मिली है, बट कम मिली है। सो लोग हमारी अक्सर तारीफ करते हैं जब भी कुछ अच्छा होता है, बट ग्रो करने के लिए क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करते हो जब आपसे लोग बात वगैरह करते हैं? तो देखो, सीधी बात बताऊँ तो मैं क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाती। अच्छा। और अगर मैंने कुछ ऐसा देख लिया है कि मुझे कोई ऐसा कह रहा है या मेरे काम को कोई ऐसा कह रहा है, तो आप मानो कि एटलीस्ट 10 दिन तो मैं उस चीज़ को ओवरथिंक करने में निकाल लूंगी। तो मैंने अब क्या किया है ना कि मुझे कहीं से भी हेटरेट मिलती, मतलब टचवुड मुझे बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि आप भले इंस्टाग्राम पे चले जाओ, भले पर्सनल लाइफ में चले जाओ, भले कहीं मेरे वर्क स्पेस पे चले जाओ, तो मेरे को है ना क्रिटिसिज्म या मुझे नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, या कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उस चीज से आप लेसन सीख सकते हो, बट कोई हेटरेट ही दे रहा है आपको तो उसका पर्टिकुलर वो लोग बैठे ही उस चीज के लिए। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने मुझे कुछ गलत कहा है, मैं वो चीज सुनूंगी, बट जब वो चीज हिट करने लगेगी ना, तो मुझे उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ना है।
अगर मैं उसको लेके बैठ गई कि अनंत ने मुझे ये कहा था, तो वो मेरे 10 दिन गए, वो 10 दिन, दस दिन गए और फिर आगे कुछ। वो आगे कुछ मतलब वो 10 दिन तो मैं आपको एक ना लीस्ट बता रही हूँ, लास्ट तक जाता रहेगा। तो हाँ ऐसा ही है कि अभी मैंने ऐसा मैं भी कर नहीं पाती हूँ, बट मैं भी उस चीज को प्रोसेस कर रही हूँ अभी, वर्क इन प्रोग्रेस है वो चीज के, देखो इग्नोर करो और आगे बढ़ो। सो आप अपने आप को और साइका को, जो आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? देखो अब आपने भी दो तरीके से क्वेश्चन पूछा है, आपको और साइका को। तो मैं मेरा बताती हूँ, 5 साल बाद या आज से कुछ समय बाद, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत मजे से जीऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक लेविश लाइफ हो। मैं चाहती हूँ कि मजे से घूमू फिरू, जा जाना हो सोचा ही नहीं, हाँ निकल गया सीधा, उठाया और निकल लिए, जिसके लिए आज सोचना पड़ता है, नो डाउट, बट हाँ एक टाइम पे निकल लिए। बट उसी के साथ में मुझे ऐसा है ना कि मैं आज कहीं गई हूँ, कल कहीं गई हूँ, 2 दिन बाद कहीं गई हूँ, बट जब मैं 4थे दिन रुकी हूँ तो मेरे पास शांति हो। मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं जहां भी हूँ पीसफुली हूँ, मस्ती में हूँ, अपने अपनी मस्ती में हूँ, अपने मजे में हूँ, बट शांति से, शांति से ऐसा। और जब साइका की बात आती है ना, तो आज से अगर पिछले 5 साल में जाए ना, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी साइका को, मतलब मैं अपनी तरफ से साइका दे पाऊंगी। ठीक है, मेरे को अभी अभी में मेरे को अच्छा ऐसा, कैसे आप कह सकते हैं ना, कि मेरे को आसपास के लोग ऐसे मिले जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको खुद प्रमोट कर रहे हैं कि यार तुम ये करो, तुम ये करो। तो मैं इसलिए साइका को मैं जल्दी ला पाई हूँ। बाकी मेरा भी ऐसा नहीं था कि मैं 5 साल बाद साइका ले आऊंगी और वो, लेकिन अब जब साइका आ गया है तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। मुझे लोगों को आंसर करना है कि साइका से कर क्या रही है। तो 5 साल में एक तो मेरे को दिखाना है कि मैंने साइका में इतना ये सब ये कुछ किया है। ठीक है, प्लस मुझे ये चाहिए कि साइका के चलते हुए भी मैं शांति से रहूं। शांति मतलब आप कितना ही हसल कर लो, कितनी मशक्कत कर लो, कितनी मेहनत कर लो, अगर आपको रात की 4 घंटे की नींद भी सही से नहीं मिल रही ना, तो मेहनत किसी मतलब की नहीं आपकी। ठीक है, अगर मैं अभी बैठी हूँ आपके साथ तो मेरे दिमाग में 4 बातें चल रही है, है ना, कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, वो लिटरली चल रही है। मतलब मैं झूठ बोली नहीं, जो सच में चल रही है वो चीज मेरे साथ। तो ऐसा ही है कि ये 4 बातें जो चल रही है वो मैं चल के फटफट लोगों को बता पाऊं। मैंने आपको कह दिया यार तू वो कर ले, तू मैनेजमेंट। तो साइका को मैं वही देखती हूँ कि 5 साल बाद मैं बैठी हूँ, हाँ मैं अपना काम कर रही हूँ, बट मेरे साथ में 4-5 लोग और मेरा काम कर रहे हैं, प्लस उनकी ग्रोथ भी है ना। सो अगर आपको फ्यूचर में कभी हमारे जैसा बड़ा शो होस्ट करने का मौका मिलेगा, तो आप उसमें क्या चेंजेस करोगे जो अभी हमारे शो में नहीं है? पहले तो यार आप लोग को हैट्स ऑफ के आप हम जैसे लोगों को बुला के इतने क्वेश्चंस पूछ पा रहे हो। मैं तो शायद ही पूछ पाऊँ किसी से क्वेश्चन, हो सकता है क्वेश्चन पूछते पूछते 4 बार ऑफेंड हो जाऊँ खुद भी। बट हाँ क्रिटिसाइज करने को ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म मेरे पास में है नहीं, बट वहाँ थोड़ा सा यहाँ पे कॉफी का टेबल रख देते हैं, हम सोच रहे थे कि थोड़ा करें कुछ। बस बाकी एवरीथिंग इज वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू निमिषा जी, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, हम चाहेंगे कि आप हमारे शो के माध्यम से जो व्यूवर्स है उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहले थैंक यू आपका कि आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी। और 3 चीजें ऐसी है जो मैं सबको जनरल लाइफ में भी कहती हूँ और मैं आज आपके व्यूअर्स को भी कहूंगी। सबसे पहली बात तो जैसे हो वैसे रहो, फेक बनने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कोई ना कोई कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा ऐसा बंदा होगा या ऐसी बंदी होगी जो आपको आप जैसे हो उसके लिए पसंद करे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सेकंड चीज मैं ये कहती हूँ, जो टाइम आपके पास है वो अब है, जो गया वो गया, जो आएगा वो भगवान जाने क्या है। तो आपके पास जो टाइम है वो अब है। तीसरी चीज, आपके पास कुछ भी है, आपके पास में लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लाखों करोड़ों का माल है, गाड़ी है, घर है, लेकिन एक चीज मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर फैमिली है तो सब कुछ है। अपनी फैमिली के साथ खड़े रहो, अपनी फैमिली को ऐसा बनाओ कि वो आपके साथ खड़ा रहे। तो बस यही 3 चीजें मेरी है कि प्लीज फेक मत बनो, टाइम को वेस्ट मत करो। वेस्ट करो तो करो, इट इज योर चॉइस, बट हाँ आप ये ध्यान रखो कि जो वेस्ट कर रहे हो वो अभी है, वही बाद में, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, मैं भी टाइम वेस्ट करती हूँ, बट ऐसा है कि ठीक है वो टाइम वेस्ट करा हुआ भी ऐसा लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा अपन ने रिलैक्स किया।
तो उस चीज को वेस्ट भी आप तरीके से करो और अपने फैमिली के साथ हमेशा हमेशा फैमिली के साथ और फैमिली के लिए खड़े रहो. दैट्स ऑल. सो ये एपिसोड था निमेशा जी के साथ. आशा करते हैं इस पॉडकास्ट ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी. तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड में एक नए ह्यूमन और उनकी स्टोरी के साथ. दिस इज अनंत फ्रॉम अरब टॉक साइनिंग ऑफ.